लर्निंग, मैं हूं मोहम्मद अफसार अब्बासी और आप देख रहे हैं चैनल वर्चुअल लर्निंग सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट नंबर 6 है। ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर चार चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका आता है एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दूसरा आता है सब्ट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तीसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लास्ट वन आता है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम इन चारों को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज बताता चलूं कि जैसा कि आप तमाम लोग कह रहे थे कि सर माइक नहीं है, वॉइस खराब हो रही है, तो आज हमने माइक ले लिया है और हमारी ये पहली माइक से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। जी तो नाजरीन, आगे हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एडिशन का, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन आ रही होगी उसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन। एड 3y³ - 4xy + 7x एंड -2y³ + 7x y + 3x। अब देखें, ये आपके पास अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है तो आपने इन दोनों को ऐड करना है। आप किस तरीके से ऐड करेंगे इसके लिए मैं आपको चुटकियों में सबसे आसान ट्रिक बताता हूं। देखें, सबसे पहले आप ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है इसको एज इट इज सेम टू सेम यहां पे आप उतार लीजिए। तो 3y³ - 4xy + 7x आपने एज इट इज ये इक्वेशन उतार ली। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, सम करना है। किससे करना है, दूसरी इक्वेशन से। तो दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, -2y³ + 7xy + 3x। तो आइए इसको हम ऐड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। लास्ट से शुरू कर लें आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 7x 3x दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। अगर आप यहां से भी शुरू करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लास्ट से शुरू कर लें ज्यादा बेहतर है। तो 7x में से 4x जाएंगे, 4xy में से 7xy काटो या 7xy में से 4xy काटो, एक ही बात है। तो कितने बचेंगे आपके पास, वो बचेंगे 7 में से 3 जाएंगे। तो अच्छा, एक चीज आपके लिए आसान तरीका यह है कि आप वेरिएबल के नीचे आपने सेम वेरिएबल्स लिख दिए हैं, जो जो है x है y है, सेम एक जैसी पावर के। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ आप नंबर को माइनस करें। जैसे मैंने यहां प्लस किया, 7 और 3 10 हो गया, नंबर प्लस होंगे, बाकी इनकी पावर्स प्लस नहीं कर लीजिएगा। अब यहां पे जो है 7 में से 4 निकाल दो तो 3 बचेंगे, एक्स वाई उसके 7 आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि साइन कौन सी आएगी, ऑपरेशन कौन सी आएगी। ऑपरेशन का मतलब होता है साइन। तो साइन यहां पे देखें, 4 माइनस का छोटा है, 7 प्लस का बड़ा है, तो प्लस का 7 3xy आपका आंसर आएगा। प्लस का 7xy बड़ा है इसलिए प्लस की साइन आएगी। अब 3y³ में से 2y³ जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 में से 2 निकाल दो तो सिर्फ 1 बचता है, तो 1y³ बचेगा, 1y³। मगर जैसा कि आपको मालूम है 1 हम लिखते नहीं है, 1 लिखना जरूरी है, तो मैं यहां से 1 काट दूंगा। तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा दोनों एक्सप्रेशन का, वो बनेगा y³ + 3xy + 10x। आसान है बिल्कुल। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, ये वाली जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ये दो एक्सप्रेशंस थी। अब हम आएंगे तीन पर, कि तीन एक्सप्रेशंस को आप आपस में किस तरीके से ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। देखिए, पहली वाली आपकी जो एक्सप्रेशन है इसको एज इट इज उतार लें, जैसा कि मैंने बताया था। तो a² - ab + 2bc + 3c². अच्छा, एक चीज करिएगा अपनी आसानी के लिए, और वो ये कि आप जब ये चीजें उतार रहे हो तो इनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा गैप देते रहे, जैसे कि मैंने ये गैप दिया इनके दरमियान में। वजह यह है कि जब ऑपरेशंस के अंदर अगर आप गैप नहीं देते तो अक्सर ये होता है कि गलत होने का खतरा हो जाता है, वो आगे पीछे हो जाते हैं आपके। तो आप क्या करेंगे, ये एज इट इज उतार लिया। अब नेक्स्ट में आप देखें, सेकंड आपकी एक्सप्रेशन ये है, इसमें आप ये देखें a² वाली वैल्यू कौन सी है। तो इसके अंदर a² वाली कोई वैल्यू है मौजूद ही नहीं है। उसके बाद ab वाली वैल्यू ये पहले आपके पास मौजूद है, वो क्या है 2ab। तो आप यहां पे लिख देंगे 2ab इसके एज इट इज नीचे, प्लस का 2ab है, क्योंकि कोई साइन नहीं होती तो प्लस होती है। bc वाली वैल्यू देखें, ये भी जी bc वाली वैल्यू आपकी, ये उतार ले क्या है -3bc। ओके, अब उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है c² वाली वैल्यू। अब इसमें c² वाली वैल्यू कहां है, वो है c² वाली ये रही। तो यहां पे देखें -4c² उतार ली। अब तीसरी एक्सप्रेशन भी आप इसी के नीचे उतारेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल स्क्वायर वाली, a² वाली वैल्यू कहां है। अब देखें, इसमें a² वाली वैल्यू कहां है, ये रही। मगर
सेकंड के अंदर आपकी एक वैल्यू रह गई है, वो कौन सी है, ये वाली b स्क्वायर वाली, इसको आप ले जाएं लास्ट में b स्क्वायर वाली, ठीक है। अब आप उतारेंगे a स्क्वायर, ये तीसरी इक्वेशन में से a स्क्वायर उतार लें, सबसे पहले इसके नीचे उतार लें a स्क्वायर, उसके बाद आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का उतारेंगे, उसके बाद सेकंड आपकी वैल्यू है ए बी वाली, यहां पे ए बी वाली, ठीक है। उसके बाद आप बी सी वाली वैल्यू उतारें, ये लीजिए बी सी वाली वैल्यू माइनस फोर बी सी, उसके बाद सी स्क्वायर वाली वैल्यू, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सी स्क्वायर ही है डायरेक्ट, तो सी स्क्वायर उतार देंगे, बाकी ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो अब इन तीनों को हम एड करवा लेते हैं, किस तरीके से एड करवाएंगे, देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ओके। उसके बाद माइनस ए बी प्लस ए बी दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचेगा क्या, 2ab बचेगा, उसको आप 2ab लिख दोगे। उसके बाद है माइनस 4bc माइनस 3bc, दोनों माइनस के हैं तो आपस में दोनों को आप एड कर लेंगे, क्योंकि जब दोनों माइनस की वैल्यूज होती हैं तो आपस में एड हो जाती हैं, माइनस का 4 माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 7, 7 में से जब 2 जाएंगे तो ये आपके बचेंगे कितने, 5 बचेंगे, और वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है प्लस का 2 छोटा है, तो ये हो जाएगा माइनस 5bc। उसके बाद देखें ये है आपके पास क्या, प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस थ्री सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों को आपस में एड करवा लें, 3 और 1, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, जैसा कि हमने यहां पे देखा था वाई के साथ हम 1 लिखते नहीं है, तो इसके साथ 1 मौजूद है, सी स्क्वायर यानी 1 है, और ये है 3, 3 और 1 4 सी स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये माइनस का 4 सी स्क्वायर, तो ये आपस में दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस होने के बाद माइनस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का सी स्क्वायर प्लस 3 सी स्क्वायर, 4 सी स्क्वायर हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस का 4 सी स्क्वायर मौजूद है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये जो बी स्क्वायर बचा इसको एज इट इज सेम टू सेम उतार लें। अब आप क्या करेंगे, देखें आपको ये चीज मालूम है कि सबसे पहले हम स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, तो आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, वेरिएबल्स को रीअरेंज करते हैं आप लोग, रीअरेंज का मकसद ये होता है पहले आप स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं फिर उससे कम वाली वैल्यू, तो सबसे पहले बी स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू लिख लें, उसके बाद एबीसी में एबी पहले आता है तो एबी वाली वैल्यू लिख लें 2ab, उसके बाद बीसी आता है तो -5bc, तो ये आपका जनाब आंसर है। तो हो गया चुटकियों में हल, कोई मसला नहीं था, बिल्कुल इजी आपका था, और अगर फॉर एग्जांपल आप रीअरेंज नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका आंसर बिल्कुल 110% करेक्ट है, मगर रीअरेंज करना आपके लिए बेहतर है जी। तो नाजरीन आगे हमारे पास मौजूद है सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ी और अब हमारे पास मौजूद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन हम कहते हैं माइनस को, मगर इसमें एक चीज आपके जहन में रहनी चाहिए कि आपको अगर कहता है सब्ट्रैक्ट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे, इसका मतलब ये है ये वाली डिवाइड करेगी इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली लिखेंगे, फ्रॉम के बाद जो आएगी, तो सबसे पहले इसको लिख लें, किस तरीके से लिखेंगे, पहले आपको मैंने अभी बताया पहले हम लिखेंगे पावर 4 वाली वैल्यू, तो देखें a की पावर 4 यहां पर है पहले, क्योंकि एबीसी में a पहले आता है तो इसलिए a की पावर 4 लिखेंगे, b वाली नहीं लिखेंगे, तो a पावर 4 लिखेंगे, तो माइनस a पावर 4 सबसे पहले लिख लें, उसके बाद b पावर 4 लिख लें, तो b पावर 4 लिखें 6 b पावर 4, अब पावर 3 लिख लें a की, वो कौन सी है, ये वाली है प्लस 7a³b, सही है। अच्छा इसी तरीके से अब आपने अगर इस तरीके से शुरू में ही अरेंज करें तो आपकी मर्जी, इससे पहले मैंने जो आपको करवाया है वो मैंने किस तरीके से करवाया था कि पावर हमने बस डायरेक्ट इक्वेशन उतार ली थी फिर लास्ट में रीअरेंज करी थी, मगर अब जो मैं करवा रहा हूं पहले रीअरेंज कर रहा हूं उसके बाद आपको आगे करवाऊंगा। सबसे पहले हमने ये ए पावर 4 वाली लिख ली, फिर बी पावर 4 लिख ली, अब हमने ए पावर 3 वाली लिख ली, अब हम बी पावर 3 वाली लिखेंगे, तो देखें बी पावर 3 यहां पर है, तो बी पावर 3 लिख लें यहां पे प्लस 5ab³, तो 5ab³ लिख लें, उसके बाद पावर a की स्क्वायर कहां पर है, a की स्क्वायर पावर यहां पर है, तो 8a²b², ठीक है जी, a की पावर 2, अब a की पावर 0 का है, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी आपकी हो गई, अब देखें a की पावर 0 यहां पर है, तो यहां पे लिख लें प्लस 7, अब ये आपने बिल्कुल रीअरेंज करके शुरू में ही लिख दिया। अब नेक्स्ट जो आपकी एक्सप्रेशन है ये वाली जिससे आपने माइनस करवानी, इसको नीचे उतार लें, मगर अब इसी हिसाब से उतारिएगा, देखें a पावर यहां पे उतार लें a पावर 4, ये प्लस का है आपका, ठीक है, सॉरी मैंने माइनस लगा दिया था, प्लस का है, उसके बाद a की पावर b की पावर 4 कहां पर है, यहां पर देखें ये वाला है 6 बी पावर 4, उसके बाद देखें a की पावर 3 का है, a की पावर 3 ये माइनस 7a³b, अच्छा उसके बाद b का क्यूब कहां पर है, b का क्यूब ये रहा,
तो ये उतार लें प्लस 5ab³। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे कहां है, ये रही प्लस 6a² b²। अच्छा खाली नंबर कहां पर है, अच्छा देखिए इसमें कोई खाली नंबर मौजूद ही नहीं है, अब हम इसको करवाएंगे सबट्रैक्ट। मगर एक चीज आपने जहन में रखनी है, जब आपने सबट्रैक्ट करवाएंगे तो नीचे वाली जो पूरी एक्सप्रेशन होगी उसकी सारी की सारी साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस की है जिसके साथ कुछ नहीं होती, प्लस साइन होती है तो ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी साइन आपकी अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी, नीचे वाले की ऊपर वाले को हम टच नहीं करेंगे। अब देखें a⁴ दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2a⁴। उसके बाद देखें आगे क्या है, प्लस का 6b⁴। अब यहां पे भी क्या था आपका, प्लस का 6b⁴ था, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे आपके पास है 7a³b, प्लस प्लस दोनों प्लस के हैं क्योंकि साइन चेंज हो गई थी, ये हो जाएगा आपका 7 + 7 14a³b। इसी तरीके से आगे आ जाएं, आगे ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं इन दोनों को प्लस करेंगे साइन माइनस की आएगी, 8 और 6 ये हो जाएंगे 14, 14a²b² 7 का 7 आप उतार देंगे तो ये आपका आंसर है सब्ट्रैक्शन का। तो आइए आगे चलते हैं और आगे हम प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ी, फिर हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ी और अब हमारे पास मौजूद है मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया चार तरीकों के आपके ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर उसके बाद प्रोडक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए आपके पास ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है, आपको कह रहा है मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको उतार लें x²-3x-9, उसके बाद है x+3। अच्छा आपकी मर्जी, आप इसको पहले रखें, इसको बाद में रखें, या इसको पहले रखें या इसको बाद में रखें, इट्स अप टू यू, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखें इसको उठाएंगे यानी 1, 2, 3, यहां पे 3 आपके पास जो है वो एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, 1, 2, 3 तीन मौजूद है, तो आप इसको उठाएंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से, फिर इसको उठाएंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको पहले लिख लें, फिर एक ही उठाएंगे आप यहां से x को, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे यानी पहले x² से, फिर -3x से, फिर इससे, फिर 3 को इससे उठाएंगे, जैसे भी करेंगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट और सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x³। अब x² को ही हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 3x², ये खत्म हो गया। अब आप उठाएंगे 3x को, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x² क्योंकि माइनस है, माइनस इन टू प्लस फिर माइनस होती है, तो 3 जा ये हो जाएगा आपका 9x, ये खत्म हो गया। अब आप उठाएंगे 9 को, 9 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, और 9 को 3 से करवाएंगे तो 9 3 जा 27 होगा। ठीक है जी, अब देख लें अगर कोई सेम है तो उसको आपस में कट कर दें, जैसे ये प्लस का ये माइनस का, साइन अपोजिट होनी चाहिए बाकी सेम होना चाहिए, तो ये भी ये है आपका माइनस का 9x, ये है आपका माइनस का 9x, तो इसको हम काट नहीं सकते, सॉरी ये कटेगा नहीं। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व, x³ -9x - 9x ये हो जाएगा माइनस का 18x, यानी दोनों माइनस की वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी और बाकी है -27। तो ये क्या है, यही तो आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा था, प्रोडक्ट आपकी हो गई। आगे आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे सवाल में आपको कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मालूम करनी है आपने इसकी। अब देखें ये आपके पास मौजूद है, पहले हमने क्या किया था, ये बड़ी हमने पहले लिख ली थी, ये वाली बाद में लिख ली थी, अब यहां पे देखें ये मैंने पहले लिखी है ये बाद में लिखी है, तो अब हम सबसे पहले इसको उठाएंगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, दोबारा नीचे नहीं उतार रहा। तो रेडिकल ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए रेडिकल ए, सही है। रेडिकल ए को जब रेडिकल ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रेडिकल रेडिकल, ये ए से हो जाएगा रेडिकल ए ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी का बी ही रहेगा रेडिकल में, ठीक है। उसके बाद प्लस रेडिकल ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी रेडिकल ए, सही है। अब हम रेडिकल बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पे नीचे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूं, प्लस का हो जाएगा ये प्लस ए रेडिकल बी, अच्छा इसको बी रेडिकल बी ए भी लिख सकते हैं मगर ए रेडिकल बी लिखना मुनासिब है, वजह यह है कि एबीसी में ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो रेडिकल बी को रेडिकल बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका ए सेम रहेगा बी और बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सही है। अब रेडिकल बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस बी रेडिकल बी,
ठीक है जी, बी रेडिकल बी हो गया। अब आपने यहां पे एक चीज देखनी है, देखिए यहां पे ए रेडिकल ए तो अपनी जगह सेम रहेगा, माइनस का माइनस, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को रेडिकल से बाहर लिया है तो ये हो जाएगा ए, और बी रेडिकल के अंदर सेम रहेगा, प्लस बी रेडिकल ए अपनी जगह सेम रहेगा, और उसके बाद प्लस का ए रेडिकल बी भी अपनी जगह सेम रहेगा। अब यहां पे देखें माइनस का बी जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी रेडिकल ए, वजह ये है कि वो स्क्वायर का है, और यहां पे प्लस बी रेडिकल बी आपका हो जाएगा। अब आप देखें क्या कोई चीज सेम है जो आपस में कट सकती है, ये माइनस ए रेडिकल बी है, ये प्लस ए रेडिकल बी है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ए रेडिकल बी है, आपस में कैंसिल हो गया। अब देखें प्लस बी रेडिकल ए है, ये माइनस बी रेडिकल है, ए है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ए रेडिकल बी, ए रेडिकल सॉरी ए रेडिकल ए बचा और प्लस बी रेडिकल बी बचा, ये जो बचा है ये आपका आंसर है। तो हमने तीसरी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीसरी जो हमारे पास थी मल्टीप्लीकेशन, वो भी हमने सॉल्व कर ली। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो व्यूअर्स आगे हम करेंगे डिवीजन को सॉल्व। तो डिवीजन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल है, मगर आपके लिए मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा, तो आपने इसको गौर से तवज्जो के साथ देखना है। देखिए आपके पास मौजूद है एक एक्सप्रेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये, आपको कहता है कि आपने परफॉर्म करना है डिवीजन, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे डिवीजन, आप सबको पता है कैसे होती है, ए इस तरीके से डिवीजन होती है। तो आपके पास एक्स माइनस थ्री वाई है, तो अंदर आप इसको लिखेंगे क्योंकि डिवाइड करना है, 5x स्क्वायर माइनस 16x y प्लस 3y स्क्वायर। अब देखें आपने बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, पढ़ा होगा, मगर जो अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आपने उस ट्रिक पे अमल करना है और उसी ट्रिक के हिसाब से चलना है। देखें ट्रिक ये है कि यहां पे x मौजूद है, इसका मतलब है आपके पास x मौजूद है, यहां है 5x स्क्वायर। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, मैं आपको कहूं कि आपके पास 2 मौजूद है, आपने आंसर लाना है 8, तो आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आएगा। तो अब आपने यहां पे भी ये ट्रिक अप्लाई करनी है, आपके पास x, एक x मौजूद है, यहां पे 5x स्क्वायर है, तो आप किससे, बाकी पूरी एक्सप्रेशन को छोड़ दें, सिर्फ इसको देखें आपने किससे अब मल्टीप्लाई करना है। देखें x पावर 1 है, यहां पावर 2 है, तो इसका मतलब है अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब है x स्क्वायर पूरा हो गया, मगर इसके साथ 5 भी मौजूद है, तो इसका मतलब है मुझे x को 5 से भी मल्टीप्लाई करवाना होगा। जब मैं x को 5x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5x स्क्वायर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 5x स्क्वायर आ गया, 5x स्क्वायर आपके पास आ गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो दूसरा है माइनस के बाद एक्सप्रेशन, ये इससे करवाना आपकी मजबूरी है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 3 को 5 से करवाएंगे, नंबर को नंबर से करवा लें, 3 5 15 हो जाएगा, माइनस इनटू प्लस माइनस ही होगा, और एक्स वाई दोनों आपके वेरिएबल्स हैं, दोनों इसके साथ ही आ जाएंगे एक्स वाई। अब आगे क्या करेंगे, अब आप आगे करते हैं साइन चेंज, जैसे आप सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, इसकी भी साइन चेंज होगी, इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी। अब जब ये साइन चेंज हो जाएगी तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, तो माइनस 16xy में से जब 15xy जाएगा तो कितना बचेगा, 1xy बचेगा, और किसका बचेगा, वो बचेगा माइनस का, वजह ये है कि माइनस का 16 बड़ा है, तो 16 में से जब 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ हम माइनस का xy लिखेंगे, बाकी ये 3x2 आपका 3y2 सॉरी वो सेम टू सेम नीचे उतर के आ जाएगा। अब ये आ गया आपका, आपके पास ये मौजूद है, आपने इससे डिवाइड करना है, तो सिंपल सी चीज जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया, यहां पे है एक्स और वाई मौजूद, माइनस का याद रखिएगा, यहां पे देखना है आपने, यहां पे माइनस का एक्स वाई मौजूद है आपके पास, यहां डिवाइड में आपके पास पहला एक्स मौजूद है, तो आपने क्या करना है, एक्स एक्स मौजूद है, सिर्फ वाई से मल्टीप्लाई करवाने, मगर खाली वाई से नहीं, माइनस वाई से, वजह यह है आपने देखना है पहली वैल्यू अगर माइनस की है तो आप माइनस के नंबर से, वैल्यू से, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर प्लस की होगी तो प्लस से, तो यहां पे माइनस की है, x x आपके पास मौजूद है, y से करवा लें, माइनस y से, तो जब x माइनस y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, एक्स वाई हो जाएगा आपस में। अब इसको करवाना मजबूरी है, तो 3y को y से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस इंटू माइनस, तो पहले प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y, y इंटू y, y स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर आपस में एड हो जाती है, एक वाई ये है, एक वाई ये है, एक पावर इस पे है, एक पावर इस पे, दोनों आपस में प्लस होंगे तो 2 पावर हो जाएगा y स्क्वायर। अब हम करते हैं साइन चेंज, तो देखिए इसकी साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, तो ये आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, तो आपका
फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का आपका आंसर क्या आया, वो आया ये वाला आंसर, और आंसर क्या है फाइव एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब है जब आप इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5x माइनस वाई। आगे चलते हैं, आगे आपके पास डिवीजन में क्या है 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बाय का मतलब होता है इसको डिवाइड करवाना है आपने इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है वो अंदर जाएगी, ये बाहर रहेगी, अंदर ले जाएगी उसको इस तरीके से। तो अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये वाली इससे आपने डिवाइड करवाना है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब वही चीज सेम रहेगी, यहां पे पावर फोर है यहां पे पावर टू है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर से, टू पावर फोर पावर हो जाएगी, यानी एक्स पावर फोर आंसर आ गया, बाकी बचा टू, तो टू से और करवा दें, टू से और करवा दें, तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू एक्स पावर फोर। उसके बाद इससे करवाना मजबूरी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, थ्री टू जा सिक्स होगा माइनस का सिक्स, आगे पावर वन इस पे है पावर टू इस पे, तो पावर वन पावर टू, ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री, टू से भी करवाएंगे टू टू जा, ये हो जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर लें, प्लस माइनस करवाएं, साइन चेंज हो जाएगी इनकी आपस में, ये आपस में कैंसिल हो गया, सेम है साइन चेंज है, ये प्लस का सिक्स एक्स सिक्स एक्स क्यूब है, ये माइनस का थ्री एक्स क्यूब है, तो दोनों को आपस में जब आप एड करवाएंगे तो असल में क्या होगा सब्ट्रैक्ट, छह में से तीन जाएंगे तो बचेंगे थ्री एक्स क्यूब, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की साइन बड़ी है। आगे माइनस फोर एक्स स्क्वायर, वहां पे है एक्स स्क्वायर, चार में से एक एक्स स्क्वायर जाएंगे तो बचेंगे थ्री एक्स स्क्वायर, मगर माइनस के क्योंकि माइनस का आपका फोर बड़ा है, तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, बिल्कुल एज इट इज सेम उतार लें। अब आपके पास आगे मौजूद है एक्स क्यूब, थ्री एक्स क्यूब मौजूद है और यहां पे एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो थ्री एक्स क्यूब आंसर आए। तो देखिए पावर टू यहां है पावर थ्री है यहां, यानी एक एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं यहां पे प्लस एक्स से करवा दूंगा, मगर साथ में नंबर भी है थ्री, तो इसका मतलब है थ्री एक्स से करवाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स से करवाएंगे तो थ्री एक्स क्यूब आपका आंसर आएगा। इससे आप आगे मजबूरी है करवाना इन दोनों से, तो थ्री थ्री जा नाइन होगा आपका नाइन एक्स स्क्वायर, टू को थ्री से करवाएंगे टू थ्री जा ये हो जाएगा सिक्स एक्स, ठीक है जी। साइन चेंज करें प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ये भी ये आपस में कैंसिल हो गया, नाइन एक्स स्क्वायर में से थ्री एक्स स्क्वायर जाएंगे तो ये बचेंगे आपके कितने सिक्स एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करवाएं माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस टू सेम उतर के आ जाएगा क्योंकि ये सिक्स एक्स माइनस का है ये प्लस का एक्स है, छह में से एक एक्स जाएगा तो पांच एक्स बचेंगे वो भी माइनस के क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब यहां पर सिक्स एक्स स्क्वायर है यहां पे एक्स स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करवाएं जो आपका आंसर क्या आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है एक्स स्क्वायर मौजूद है, खाली सिक्स से मल्टीप्लाई करवा लें जी, तो ये आपका हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, थ्री को करवाना मजबूरी है, थ्री सिक्स जा एटीन तो माइनस एटीन एक्स, उसके बाद टू से करवाएं टू सिक्स जा ये जाएगा आपका ट्वेल्व, ठीक है जी। माइनस प्लस कर लें, साइन चेंज ये आपस में कट गया, यहां भी साइन चेंज होगी, प्लस का एटीन माइनस का फाइव, माइनस करवाएंगे आपका ये हो जाएगा 13x प्लस का क्योंकि प्लस की 13 बड़ा है, उसके बाद 12 में से 2 जाएंगे तो ये आपके बचेंगे 10। अब क्या करें, यहां है x स्क्वायर यहां पे 13x, x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं जो 13x आंसर आए, देखें अगर हम x स्क्वायर से 1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर, तो इसका मतलब है x आ ही नहीं सकता। मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं इसके बारे में मैं समझाता हूं, मैं आपको कहूं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो आंसर 1 आए, आप बोलोगे ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो आंसर 1 आए, मगर ये हो सकता है कि फिर आप 2 से डिवाइड करवा दें, मगर मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड की बात नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर को हम किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते जो आंसर 13x आए। तो अब आपने इस कंडीशन में ये वाला आपका होगा आंसर, इसको आप कहते हो आंसर, आपका आंसर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये है आपका आंसर। यहां पे आपको एक चीज और बताता चलूं, ये जो होता है इसको आप कहते हो डिवाइजर, इसका नाम है डिवाइजर, इसको आप कहते हो ये जो जिसको डिवाइड हो रहा होता है इसको आप कहते हो डिविडेंड, डिविडेंड, और ये जो आंसर आता है इस आंसर को आप कहते हो कोशेंट, और ये जो आपका बच जाता है जैसे ये आपकी पूरी बच गई इसको आप कहते हो रिमाइंडर, रिमाइंडर, यहां पे आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं था क्योंकि सब कट गया था, तो रिमाइंडर आपका जीरो होगा।
जी तो नाजरीन, आज हमने पढ़ा फंडामेंटल्स ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट नंबर 6 था, जिसके अंदर हमने चार ऑपरेशंस पढ़ी। सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ी, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ी, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, और अभी अभी लास्ट में हमने डिवीजन पढ़ी। आई होप आपको आज का टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और अब कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रही होगी। ये बताता चलूं कि हमारी पहली वीडियो है जो हम माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज यूज माइक। तो अब ये हमारी माइक की वीडियो है। आई होप आप लोगों को इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि वॉइस क्वालिटी कैसी है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और साथ के साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को आने वाली न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।